अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अवैस सिद्दीकी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं और इबादत इस मुबारक महीने में कबूल फरमाए। ये जो आज मेरी वीडियो है, ये मैं मक्का शहर के ऊपर बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको मक्का के कुछ फैक्ट्स बताऊँगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला का सबसे महबूब शहर मक्का मुकर्रमा है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 5 नामों से मक्का का जिक्र किया है, जिसमें मक्का, बक्का, अल-करिया, अल-बलद और उमर कुरा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पैदाइश भी मक्का मुकर्रमा है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में है। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी क्लॉक टावर मक्का मुकर्रमा में है। कुरान की पहली आयत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर तो मदीना है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे। मक्का मुकर्रमा जिद्दा से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर है और मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा में और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि जन्नतुल माला, गार हिरा, गार सौर, मस्जिद निमरा, मस्जिद आयशा, मस्जिद जिन, मीना, अरफात। दुनिया के सारे मुसलमान मक्का मुकर्रमा में आके हज की अदायगी करते हैं। मक्का मुकर्रमा दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो कि आज तक आबाद है, जो कि कभी वीरान या खाली नहीं हुआ, क्योंकि उसमें आज तक लोग हाजियों की और टूरिस्ट की वहाँ पर चहल पहल रहती है। मक्का मुकर्रमा में कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो जिन लोगों को मक्का की ज़ियारत करनी होती है वो या तो जिद्दा या मदीना मुनव्वरा आते हैं। मक्का मुकर्रमा के अंदर मक्का म्यूज़ियम के नाम से एक म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर आपको बहुत सारी तारीखी चीज़ें मिलेंगी। जमजम का कुआँ भी मक्का मुकर्रमा में है। मक्का मुकर्रमा का सेंटर खाने काबा है। इस्लाम का अहम रुकन हज की अदायगी भी मक्का मुकर्रमा में होती है। मक्का मुकर्रमा कभी भी किसी इस्लामिक रियासत का दारुल खिलाफा कभी नहीं बना। जो लोग जिद्दा से मक्का आते हैं तो वो मक्का एंटर होते वक्त बुआबत मक्का के नाम से एक गेट आता है, जो कि आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे रेल के ऊपर कुरान पाक रखा हुआ। हजरे अस्वद हमेशा से मक्का मुकर्रमा में नहीं था। 930 AD हिजरी में वो कर्मेशियंस ने चोरी कर लिया था, जिसको बाद में वापस लेकर आया। मक्का मुकर्रमा के पहले बासी मतलब बसने वाले दो लोग थे। सबसे पहले एक माँ और एक बेटा, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु अन्हा। मक्का मुकर्रमा में गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है और खुश्क मौसम होता है, और सर्दियों में कुछ दिनों की ठंड पड़ती है। क्या आप यकीन करते हैं कि मक्का मुकर्रमा दुनिया का सबसे रौनक वाला शहर है? मक्का मुकर्रमा में किस्वतुल काबा भी तैयार किया जाता है, जिसको खाना काबा का गलाब कहते हैं, जिसके ऊपर की लिखाई सोने से की जाती है। मक्का मुकर्रमा का सारा शहर जो है वो हुदूद धर्म के अंदर नहीं आता, जैसे शराया, हुसैनिया, नौरिया, ये सब हुदूद धर्म के बाहर आता है। और हाँ, आपका दोस्त मतलब मैं भी मक्का मुकर्रमा से बिलोंग करता हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी मक्का मुकर्रमा के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम।